फ्रेंड्स, मैं हूं विकास और आज आपके साथ में शेयर कर रहा हूं कि जब हम पढ़ाते हैं फ्रैक्शन तो हमें चाहिए होती है कुछ ऐसी कहानियां, कुछ ऐसे खेल कि हम क्या करें। तो एक ऐसी गतिविधि आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, आपको शायद पसंद आएगी और ये चैलेंज भी है आप लोगों के लिए, क्या आप इसका जवाब दे सकते हो। तो कहानी शुरू करता हूँ। तो कहानी क्या है, एक बार एक व्यापारी होता है, बूढ़ा हो चुका होता है, उसके पास केवल है 19 ऊँट से उसने अपना सारा व्यापार किया और कुछ उसके पास जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है, उसके 3 बेटे हैं। अब वो मरने वाला है तो बच्चों को आजकल चिंता रहती है कि हमें क्या मिलने वाला है बाप के पास से। तो उससे पूछते हैं, उसने कहा कि मैंने अपनी वसीयत बना के रख चुका हूँ, जब मैं मर जाऊँगा तो आप मेरी वसीयत देख सकते हैं, उस हिसाब से आपको मिल जाएगा, पर अभी मैं आपको कोई डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ आपको क्या क्या मिलने वाला है। अब बच्चों को इंतजार था कि बाप कब मर रहा है, आजकल जल्दी सी बात की होती है। कुछ दिनों में जैसे बीमार तो हो ही चुका था, कुछ दिनों मर भी जाता है, तो जल्दी जल्दी उसका काम क्रियाक्रम पूरा किए। बच्चे पूछते हैं भाई ज़्यादा कुछ तो है नहीं, 19 ऊँट हैं, मेरे हिस्से में कितने आए देखने के लिए। अब जब वसीयत खोलते हैं तो एक अजीबोगरीब नए तरह की वसीयत होती है। उन्हें लगा होगा कि बराबर बराबर 3 हैं तो कुछ बटे होंगे कुछ इस तरह से, पर जो उसकी वसीयत होती है उसने व्यापारी ने इस तरह से लिखा था। अब कहानी एक्चुअली अब शुरू होती है जो हम बच्चों के साथ बात करने जा रहे हैं। उसने वसीयत लिखा था कि मेरे पास जो कुल ऊँट हैं उन कुल ऊँटों का 1/2 भाग मेरे बड़े बेटे को दे दिया जाए, जो मेरा सबसे बड़ा बेटा है। कितना दिया उसने, 1/2 भाग। मेरा जो मझला बेटा है, बीच वाला है, उसको मेरे पास जो जितने कुल मेरे पास संपत्ति, यानी मेरे संपत्ति क्या है, मेरे ऊँट कितने ऊँट 19 ऊँट, उसको दे दो 1/5। और मेरा जो बचा सबसे छोटा बेटा उसको मैं देना चाह रहा हूँ अपने कुल ऊँटों का 19 ऊँटों का 1/4। एक तो घूम गए कि क्या वसीयत लिखी है, समझने की कोशिश की। अब समस्या ये थी, ना तो ये जमीन थी, ना तो ये सोना था, ना ये पैसा था जिसको हम पॉइंटों में बांट सकते हो। ये थे ऊँट, जिंदा ऊँट। अगर इनको बांटना हो 19 को आधे में तो ये आ रहा है पॉइंटों में, 19 को बांटेंगे 5 में तो आ रहा है पॉइंटों में, और 4 बांट रहे हैं तो भी पॉइंटों में आ रहा है, तो कैसे करें बंटवारा। अब तीनों परेशान कंफ्यूज, अब बंटवारा, अब पिताजी तो वसीयत लिख के गए हैं, उनका जितना गणित था जितनी समझ थी उस हिसाब से, अब क्या करें। वो आपस में आस पास के लोगों से भी लिया, और भीड़ क्या होती है, मजमा देखती है जी, उसे कहाँ सोल्यूशन देती है। तो अब कोई एक बुद्धिमान आदमी को ढूंढते हैं, तो कोई हर जगह कोई ना कोई एक तो मिल ही जाता है। आपको समस्या समझ में आई, प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। समस्या ये है कि कहानी को 19 तो है ऊँट हमारे पास, 3 है उनके, 3 लोगों में करना है बंटवारा, और बंटवारा करने का शर्त क्या रख दी गई है, एक को मिलना चाहिए कुल का 1/2, एक को मिलना चाहिए 5वां भाग, एक को मिलना चाहिए 4था भाग। अब ये बंटवारा कैसे किया जा सकता है, तो ये आपस में गुत्थी है। तो आपके पास कोई सोल्यूशन हो तो आप बता दीजिए मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के, नहीं तो वीडियो को जारी रहे, देखिए हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये सोल्यूशन ठीक है नहीं ठीक है इस पर बहस भी है। आपकी क्या राय है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जितनी मेरी समझ है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो हम अब कहानी पर दोबारा आते हैं। कहानी क्या थी, लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, कोई बुद्धिमान आदमी को ढूंढा जा रहा है, एक बुद्धिमान आदमी मिलता भी है, वो कहता है मैं बता तो दूंगा, वो बांट भी दूंगा, और जितना तुम्हें मिलना चाहिए, जितना डिजर्व करते हो उससे ज़्यादा मिलेगा। वो खुश, उसने एक डायलॉग मार दिया ना, जितना तुम डिजर्व करते हो ज़्यादा मिलेगा, पर अपने मैं फीस लूंगा, भाई हम फीस देने को तैयार है, आप हमारा बंटवारा कर दो। वो क्या करता है, उसके पास 1 ऊँट और होता, वो अपना 1 ऊँट लेकर आता है। तो अब कितने ऊँट हो गए, सवाल क्या है, 19 ऊँट है, बांटना है आधे हिस्से में, 5वें और 4थे हिस्से में। बुद्धिमान आदमी ने कहा मैं अपनी फीस लूंगा, बांट भी दूंगा, जितना आप डिजर्व करते हो उसे ज्यादा दूंगा। अब कैसे करा उसने बंटवारा, उसने कहा मेरे पास 1 ऊँट और है, ये तो मैंने दे दिया आपको वो ऊँट, अब हमारे पास हो चुके हैं 20 ऊँट। अब उसने कहा पहले आपको कितना मिला था बड़े वाले भाई, कितना चाहिए था, जितना मुझे तो आधा मिलना था, आधा उसे कितने ऊँट मिल गए, 20 हो चुके हैं ना, 20 का तो आधा हो सकता है, 10 ऊँट मिल गए उसे, मुझे मिलना था 5वां हिस्सा, बीच मतलब बोल पड़ा भाई तुझे कितना मिलना चाहिए, तो 20 का 1/5 कितना हो गया, 4। तो स्टूडेंट्स हम सोल्व करा सकते हैं ये, यानी भिन्न की तरफ आ चुके हैं। उसने बोला छोटा वाला मुझे तो 1/4 दिया था, मेरा भी तो बताओ उसे कितना मिलना था, 20 का 1/4। ये मिला पहले को, ये मिला दूसरे को, ये मिला तीसरे को, 4×5 आप देख सकते हैं कुल कितने ऊँट थे, 10 और 4 14 और 5 19, तो पूरे के पूरे 19 ऊँट बट चुके हैं। और समझदार व्यक्ति बोला भाई 19 तुम्हारा बंटवारा हो चुका है, ये 1 ऊँट भी फालतू रह गया है, ये तो मेरा वाला है ना, इसको मैं ले जा रहा हूँ, यानी जो उसने ऊँट दिया था अपना वापस भी ले लिया, उसने कुछ नहीं दिया, 1 ऊँट दिया एक वापस भी ले लिया, और उन तीनों को सेटिस्फाई भी कर दिया, आपका बंटवारा हो चुका है, लाओ मेरी फीस, अपनी फीस भी लेकर चला गया। तो सवाल अब ये उठता है, बंटवारा तो ये जो प्राचीन लोक कथा है, आप सुनी भी होगी, आप लोगों ने किताबों में दी गई है, यह कि
19 को बांटना था, उसने एक रूट देखे 20 करके बांट दिया और वो लोग मान भी गए, पर ये गणित की दृष्टि से ठीक है। इस पे आप लोग सोचें और जो आपकी राय है वो आप लिख के दिखाएं। पर इस कहानी को मैं एक और एक्सटेंड करता हूं, ये शायद किताबों में कम किताबों में दिया हुआ है। अब एक और ट्विस्ट देखते हैं, ये घटना सारी एक और आदमी देख रहा होता है, तो देखने वाले। अब इस तरह की घटना हम एक और अज्यूम करते हैं, इस बार फिर घटती है, इस बार झगड़ा होता है 29 फुट का। अभी क्या था, 19 फुट की कहानी थी, अब ये कहानी दोबारा रिपीट हो रही है 29 फुट के साथ में। अब की जो बचत लिखी गई है कितना कितना बटेगा, इस बार लिखी गई है कि पहले वाले को मिलेगा 1/2, दूसरे वाले को मिलेगा 1/3, तीसरे वाले को मिलेगा 1/5। अब बांटो 29 फुट। अब जो आदमी उस घटना को देख रहा था उसे लगता है कि बुद्धिमान आदमी की जरूरत क्या है, तो मैं बुद्धिमान, मैंने देखा उसने क्या किया था, उसी तरीके को मैं चाहता हूँ, यहाँ भी काम करेगा वो, अगर नकल करते हैं कॉपी करते हैं। तो अब मैं वो कहानी को इस तरह मैं आपको एंगल दे रहा हूँ, तो उसने कहा बुद्धिमान आदमी क्यों बुलाए, तो मैं सीख चुका हूँ सोल्व करना, मैं कर देता हूँ। वो चलता अपना उठ लेके, कोई परेशान मत हो आपका बंटवारा मैं कर दूंगा, भले आप 29 को नहीं बांट पा रहे आपस में 1/2 में 1/3 में 1/5 में, पर आप बंटवारा मैं कर दूंगा, आप मुझे इतनी फीस दो, उसने तय कर दी। ठीक है अभी कर दे बंटवारा हमारा, उसने दिया उन्हें एक और रूट जैसे पहले वाले ने किया था, तो कॉपी कर रहा है वाला आदमी। तो लो जी लो कितने हो गए हमारे पास 30 रूट। अब क्या होता है, पहले को कितने मिल गए 30 का 1/2 यानी 15, दूसरे को वाले को कितने मिले 30 का 1/3, तीसरे वाले को मिले 30 का 1/5 यानी 6। अब कुल कितने हो गए 15, 25 और 6, 31। अब जो उसने रूट दिया था वो तो कह रहे हैं 6 उठ दे, एक उठ तोड़ दे, एक तो वो दे चुका है उसे एक उठ तोड़ देना पड़ा। बंदा नहीं नहीं मत बंटवारा कर, मैं कहां से लाऊं, गांव वालों ने पंचायत करी कि तो बंटवारा करना आया था ना, मैं तुम्हारे बांट दूंगा उठ दे, तो उसे भाई कहां से लाऊं, एक उठ पहले दे चुका है, एक उठ लेकर आना पड़ा उसे बंटवारा करने के लिए। वो परेशान हो गया, ऐसा कैसे, वो उठ वाला आदमी लाया बुद्धिमान आदमी, उसने एक उठ दिया बंटवारा कर दिया अपना उठ वापस लेकर चला गया था, पर जब मैं समझदार बनने चला मैं तो फंस गया, मुझे दो उठ का नुकसान हो गया, एक मुझे यहां देना पड़ा एक मुझे यहां उठ देना पड़ रहा है, ये मुझे छोड़ ही नहीं रहे, 31 उठ हो गए। तो सवाल यह कि सेम ट्रिक यहां काम क्यों नहीं की, शायद ये भी कि जब हम नकल करते हैं तो उसके लिए अकल की जरूरत पड़ती है। आपके पास ऐसे बेहतर जवाब है तो ढूंढिए सोचिए, या चैलेंज है आपके लिए, और ये कहानी भिन्न को समझाने के लिए हम बच्चों के साथ यूज कर सकते हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि अलग अलग तरीकों से अलग बच्चों के साथ अगर बात की जाए तो उनके कंसेप्ट अच्छे बनते हैं। तो आज की वीडियो से आपको जरूर कुछ सीखने को मिला होगा, थैंक्स फॉर दोस्तों, अपनी जिंदगी को गणित से भरपूर रखिए, बाय।